आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के बारे में डिफरेंसेस डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम हमारा में क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा, जिसमें हमारा मेन जो एलिमेंट यूज होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल यूज होता है, जिसको हम लोग एक लिक्विड के फॉर्म में बोलते हैं। और न्यूमेटिक्स मीन्स हमारा एयर। एयर कैसा है? कॉम्प्रेस एयर, जो कंप्रेसर के द्वारा कॉम्प्रेस रहता है हमारा, वो यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेस एयर न्यूमेटिक सिस्टम में हमारा यूज होता है। तो ऑयल को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल 1 लीटर हमारा पानी एक बोतल में मौजूद है, उसको हम लोग अगर 1/2 लीटर करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्रेस करना पॉसिबल नहीं है ऑयल को। लेकिन एयर को कॉम्प्रेस करना पॉसिबल है, इसीलिए एयर कैन भी कॉम्प्रेस हो सकता है हमारा। आइए हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोलिक में जो प्रेशर रेंज हमारा रहता है वो 500 से 700 बार प्रेशर रहता है, जबकि न्यूमेटिक्स में जो प्रेशर हमारा रेंज रहता है वो 5 से 10 बार तक रहता है। और ये प्रेशर और भी बढ़ाया जा सकता है, मान लीजिए इसमें और के सिस्टम ऐसे लगा सकते हैं। हाइड्रा मीन्स होता है हमारा वाटर या लिक्विड, और न्यूमेटिक्स मीन्स एयर। एयर मीन हमारा कॉम्प्रेस एयर, जो हमारा एटमोसफेयर से कॉम्प्रेसर से लेकर के हमारा सक्शन करके उसमें हम लोग टैंक में स्टोर करे रहते हैं। कॉम्प्रेसर एक मशीन होता है, उसके द्वारा ही हम लोग हवा को स्टोर करके टैंक में रिजर्वर रख करके एक कॉम्प्रेस फॉर्म में हम लोग हायर को रखते हैं, ताकि हमारा सिस्टम में न्यूमेटिक का जो सिस्टम भाग वगैरह में उसमें सप्लाई देकर काम वर्क करा सके। हाइड्रोलिक जो है वो हमारा लिक्विड बेस्ड सिस्टम में वर्क करता है, जबकि न्यूमेटिक जो हमारा वो एयर बेस्ड सिस्टम में वर्क करता है। पंप जो हाइड्रोलिक हमारा हाइड्रोलिक में वो हार्ट है, मतलब पंप इसका दिल है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम का। पंप के द्वारा हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा अनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रेशर जो है हमारा सक्शन जो प्रेशर हमारा प्रेशर जो मिलेगा वो पंप के द्वारा ही हमारा मिलता है। तो पंप मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में। इसी तरह सेम कॉम्प्रेसर हमारा न्यूमेटिक्स में हमारा मेन एलिमेंट है, हार्ट ऑफ सिस्टम। मोर लोड कैन कैरिंग कैपेसिटी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में काफी लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा जेसीबी क्रान होता है। बहुत सारे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हेवी वेटेड इक्विपमेंट्स को पुल ऑफ किया जाता है, और भी बहुत सारे जैसे लोडिंग अनलोडिंग वर्क होते हैं जो हाइड्रोलिक के हमारे वर्क होते हैं। इसीलिए हाइड्रोलिक में लोड कैरी करने का क्षमता काफी ज्यादा होता है न्यूमेटिक्स के बनिस्बत। लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम का होता है। इसी तरह सेपरेटेड लुब्रिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हाइड्रोलिक में हमारा ऑलरेडी एक ऑयल यूज होता है, इसलिए हमारे इसमें अलग से कोई लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज नहीं होता। लुब्रिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? इसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में हमारा रनिंग होते हैं, रनिंग कंडीशन में क्या होता है उसमें फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन के बिटवीन हमारा हीट रिलीज होता है। तो हम लोग जानते हैं लुब्रिकेशन हम लोग कहाँ यूज होता है। लुब्रिकेशन हमारा वहीं पे यूज होता है जहाँ पे दो पार्ट्स में ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो उस फ्रिक्शन के बिटवीन अगर मान लीजिए हमारा कोई हीट जनरेट होता है काफी, या दो पार्ट आपस में फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो इस हीट को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन यूज होता है। क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल में ऑलरेडी हमारा लुब्रिकेंट ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल यूज होता है, इसीलिए उसमें लुब्रिकेशन का वैसा कोई दरकार नहीं पड़ता है। जबकि न्यूमेटिक्स में हमको अलग से एक लुब्रिकेशन का सिस्टम देना पड़ता है, जो आपको FRL यूनिट के नाम से हमारा जाना जाता है, फिल्टर रेगुलेशन लुब्रिकेटर। जो एल हमारा जो लुब्रिकेटर जो है, ये हमारा एक कॉम्पोनेंट आता है न्यूमेटिक सिस्टम में, जो अलग से हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम का अलग से हम इसमें देना होता है। नेक्स्ट इसी तरह सेम आते हैं, अगला आते हैं हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो वो काफी बल्की है। बल्की सिस्टम क्या है? इसमें काफी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो काफी वेटेड होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बल्कि काफी वेटेड होता है, इसीलिए ये बल्की सिस्टम होता है। और ये जबकि न्यूमेटिक जो है काफी थोड़ा लाइट वेट होता है, इसके हमारे हॉस पाइप काफी लाइट होता है, कॉम्पोनेंट वगैरह न्यूमेटिक हाइड्रोलिक से बनिस्बत काफी थोड़ा से कम वेट के होते हैं, इसीलिए ये लेस बल्की सिस्टम हमारा है न्यूमेटिक्स। और हाइड्रोलिक जो एक स्लो सिस्टम है, क्योंकि हाइड्रोलिक में हमारा हाइड्रोलिक ऑयल में एक विस्कोसिटी होता है, एक चपचपापन होता है, उसको बहने में हमारा फ्लो होने में टाइम लगता है, लेकिन काम हमारा काफी हैवी वेटेड अच्छा तरीके से होता है, इसीलिए हमारा ये थोड़ा सा स्लो मोशन में वर्क होता है, स्लो सिस्टम है ड्यू टू विस्कस ऑयल, ऑयल के विस्कोसिटी से चलते। और जिनका हमारा न्यूमेटिक्स एयर जो है, एयर में हमारा वैसा विस्कोसिटी कुछ नहीं होता, इसलिए काफी फास्ट फास्ट वर्क करता है। जैसे न्यूमेटिक्स हमारा एयर होता है, न्यूमेटिक्स ड्रिल होता है, न्यूमेटिक्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, रोबोटिक्स में हमारा ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में, तो न्यूमेटिक्स का मैक्सिमम हमारा यूज होता है।
वो पैक को पुल ऑफ करने में, पैकिंग करने में, छोटे छोटे हमारे मशीन के जो होते हैं पैकिंग वगैरह में, वो न्यूमेरिक्स के ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए फास्टर सिस्टम होते हैं। मिड मिड में हमारा काफ़ी कॉम्पोनेंट हमारा पैक होता है, जैसे लेस कुरकुरे चिप्स वगैरह ये सब के पैकेट वगैरह जो पीस होते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में मैक्सिमम यूज होता है इसका, इसीलिए वर्क फास्टर सिस्टम है हमारा न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स जो है वो वर्किंग मीडियम उसमें लिक्विड है, ये हाइड्रोलिक में सॉरी, और जबकि न्यूमेटिक्स में हमारा वर्किंग मीडियम एयर है। हाइड्रोलिक हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोलिक ऑयल जो है एक बार सिस्टम में सप्लाई जाता है तो फिर वो दोबारा जाने के बाद फिर सिस्टम में फिर दोबारा रिटर्न आ जाता है, इसीलिए इसको क्लोज लूप सिस्टम बोला जाता है। जबकि न्यूमेटिक्स हमारा ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम इसलिए है कि जब भी हमारा न्यूमेटिक्स में कभी भी सिस्टम में हमारा किसी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या किसी भी वाल्व पे सप्लाई जाता है एयर, तो वो फिर दोबारा हमारा टैंक में, इसका कंप्रेसर का टैंक जो होता है, कंप्रेसर का टैंक में रिटर्न नहीं आता, वो फिर दोबारा हमारा एटमोसफेयर वायुमंडल में जाके वो मिल जाता है, इसीलिए ओपन लूप सिस्टम हमारा न्यूमेटिक्स। और नेक्स्ट 11 नंबर मोन कॉम्प्लेक्स होता है, काफी इसको कैरी करने में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो कॉम्पोनेंट होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं देखने में, और न्यूमेटिक्स में काफी लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ यूज किया जाते हैं एप्लीकेशन देखते हैं, तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हाइड्रोलिक यूज इन डंप ट्रक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, जैसे भी जिसको बैक पाइप क्रान बोलते हैं क्रान, जबकि न्यूमेटिक्स हमारा कहाँ का, प्रिसिशन ड्रिल्स, डेंटिस्ट बाय डेंटिस्ट, स्मॉल रोबोट, ऑटोमेशन, न्यूमेटिक्स ब्रेक्स, पिक एंड प्लेस न्यूमेटिक्स मशीन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, मैंने चीजों को एक जगह से उठाना और प्लेस करना, और रोबोट्स, स्मॉल रोबोट्स वगैरह प्रिसिशन ड्रिल यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है 13 नंबर, इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है हाइड्रोलिक में हमारा, वो काफी रिजिड होते हैं, रिजिड मीन्स हमारे काफी ठोस होते हैं, और इसीलिए, और इसमें न्यूमेटिक्स में जो है वो इतने ठोस मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि काफी लाइट वेट इससे कॉम्पोनेंट होते हैं, इसीलिए रिजिड वैसा नहीं बनाया जाता है, रिजिड मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम न्यूमेटिक्स से, न्यूमेटिक्स में हमारे रिजिड कॉम्पोनेंट बेकार नहीं पड़ता है। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा।